राजगढ़ जिले से चुनाव में किए वादे के अनुसार नगर परिषद ने वार्ड 5 के सीसी रोड का पूर्व विधायक श्री दांगी से कराया भूमि पूजन। हाल ही में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए वादे के अनुसार नगर में विकास कार्यों को मूर्त रूप देते हुए नगर परिषद खिलचीपुर के वार्ड क्रमांक 5 में 10 लाख रुपए की लागत से बनाए जाने वाले सीसी रोड का भूमि पूजन क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री हजारीलाल दांगी से कराया। वहीं इस आयोजन में श्री दांगी ने अपने संबोधन में उपस्थित जन समुदाय से कहा कि यहाँ तो अभी शुरुआत है, हम नगर के चहुमुखी विकास के लिए परिषद के साथ संकल्पित है। तो वहीं भाजपा जिला उपाध्यक्ष श्री मेहरबान सिंह दांगी ने अपने उद्बोधन में केंद्र एवं राज्य सरकार की मंशा के अनुसार नगर विकास की बात कही। इसी क्रम में मंडल अध्यक्ष श्री बद्रीलाल दांगी, नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती राम जानकी रामकरण मालाकार, पूर्व नगर परिषद श्री संदीप सिंह राम, श्री प्रदीप गुप्ता आदि ने अपने संबोधन में नगर विकास की बात कही। राजगढ़ से जिला चीफ ब्यूरो सुनील सोनी की खास रिपोर्ट। सर, आज खिलचीपुर नगर में नगर परिषद के द्वारा विकास कार्यों की सौगात आज से प्रारंभ की जा रही है। वार्ड नंबर 5 से सीसी रोड का भूमि पूजन करके आज आपने इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, थोड़ा बताएं सर उस बारे में। क्या है के वार्ड नंबर 5 से आज जो चालू किया है, वार्ड नंबर 5 और नारदा बल्डी के लोगों की ये भावना थी, जब हम यहाँ चुनाव प्रचार करने आए तो यहाँ के लोगों की ये मांग थी कि हमारे वार्ड में कोई काम कोई पार्टियां कराती नहीं, तो हमने इनसे ये वायदा किया था कि हम जैसे हमारी परिषद बनेगी उसके बाद में पहला काम हम नारदा बल्डी से चालू करेंगे। तो उस किए गए वायदे के मुताबिक ही आज हमने इस नारदा बल्डी के वार्ड क्रमांक 5 में सारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूरी नगर पंचायत के सारे पार्षद गण और अध्यक्ष सहित सारे कर्मचारी ने आकर के इसलिए शुभारंभ किया कि आज हम नवीन काप का नई परिषद के द्वारा काम जो शुरू किया जा रहा है, इस काम की गति हम बंद नहीं होने देंगे और इस काम के साथ साथ पूरे नगर खिलचीपुर में जो भी काम जरूरी है, जो गलियां जिन गलियों में अभी तक काम नहीं हुआ है, उन सारी गलियों में इसी तरह सीसी रोड का निर्माण करा के और वहाँ पेयजल सप्लाई की व्यवस्था करेंगे, साफ सफाई की व्यवस्था करेंगे। वो ये हमारी व्यवस्था है, निरंतर जारी रहेगी। ये हमने परिषद में भी हमारे परिषद में संकल्प पारित किया है कि हम सब मिलकर के और इन काम को पूरा कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया की भी पूरे मध्य प्रदेश में घोषणा है और उनका निर्देश है कि कोई भी नगर सुंदर बनने से बचे नहीं, सारे नगर में अच्छे काम हो, शहर सुंदर बने, पानी की व्यवस्था और साफ सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से होती रहे, इस हिसाब से नगर पंचायत ने काम चालू किया है और ये काम जारी रखे। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।